الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب پڑھو ذرا صلی اللہ درود پاک ذرا بلند آواز نال مسجد گونجائے صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يه ياد کر لمیاں منزلاں जिथे जाके फेर नहीं आवना है जिस माल ते हुसन ते नाज करना है चंद रोज दाए परावना है ते तेरा माल वंड लेना वारसने तेरे मास नू कीड़िया मदनी इथों ही खर्च बना चलिए पिछों किसे नहीं खर्च पुचावना ते जद मैं मरा सोने अल्लाह दा ना लेके दफनान वाले करम कमा छड़े जांदा होवे मक्के नू राह जड़ा उस राह विच कबर बना छड़ियो ते मैनू गुसल दे के कफन नू मेरे गल दे विच पहना छड़ियो बंद कबर मदनी दी करन लग्या मिट्टी शहर मदीने दी पा छड़ियो अल्लाह सुनियो इस वक्त जिन्हें बच्चे बुजुर्ग नौजवान मस्जिद मौजूद ने या अल्लाह साडा सब दा खात्मा बिल खैर फरमाओ उची तरह कहो आमीन ऐ जड़ा वक्त है ना ये कबूलियत दा है केड़ा है उची बोलो कबूलियत दा टाइम है ते ऐ जिन्हें तुसी बंदे बैठे हो ना मस्जिद च तुहाडे चो कई दर्जे ज्यादा तुहाडे विच फरिश्ते बैठे हो ए भी नबी पाक ने फरमाया किन्ने फरमाया उची बोलो नबी पाक ने फरमाया जो आसमान तो जमीन ते महफल लगती है ना कुरान पाक दी हदीसे रसूल दी ते आसमानों तो फरिश्ते होते हैं ते जिन्नी देर तक कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है हदीसे रसूल सुनाने वाला हदीसे रसूल सुनाता है उन्नी देर तक बहन वाले वास्ते रहमत ते बख्शियां दुआवां करते रहते हैं ते सारे जरा दुआ मैं कर लगा तो सारे आमीन क्या जे अल्लाह सोने ऐसी तमाम दे अंदर जिन्हें बच्चे बुजुर्ग नौजवान आए अगर मेरिया मावं भैन भी आई सोने रब्बा जेड़े इन्हां दे अंदरों बीमार आए ने अपनी रहमत नाल शिफा अता फरमा अल्लाह सोने जिन्हें चेहरे मेरे सामने बैठे ने इन्हां अंदरों अगर कोई परेशान आया है अपनी रहमत नाल परेशानियां दूर फरमाओ अल्लाह सोने तेरे बंदियां दे अंदरों जिन्हें बंदे ते जिथों जिथों आए जिन्हें कदम चल के आए अल्लाह एक एक कदम दे बदले हजारां नेकियां अता फरमाओ ये दुआवां ओ ने जिहड़ियां असीं रोज़ करदे रहिंदे अपने वास्ते
एक दुआ जो मैं तुहानू दस के जानी है ते तुसी अपनी दुआ शामिल करनी है ते सारी जिंदगी करिया करनी है। करोगे ना इंशाल्लाह? उची बोलो। ओ दुआ है वे अल्लाह सुने असी जिन्नी देर जिंदा रहिए ईमान इस्लाम ते जिंदा रहिए अल्लाह जद मौत आए कलमा पढ़ दिया शहादत की मौत नसीब कर। मौत सारे नू आनी है कि नहीं? और सारे ने मरना है ना? हाथ खड़ा करो है जिन्हें जिन्हें नहीं मरना। सारे ने मरना है ना? मौत सारे नू आनी है ते आनी है एक दिन मौत सारे नू ते तुसी दुआ करो खास होने रब्बा जब मौत का टाइम आए ते कलमा पढ़ दें शहादत वाली मौत दा भी उची कहो आमीन। आओ मुसलमान वर्द करना चाह रहे मेरी मामी आली मुकाम हसनैन दे नाना जानन मोहब्बत करने वालो मेरे मदनी करीमा का दी मोहब्बत लेके बैठने वालो मेरे रब्बे करीम ने फरमाया ए वजूहा दे चेहरे वालिया लैल दियां जुल्फां वालिया मां दाग दे काजल वालिया आलम नशरा दे सीने वालिया सिरा दे मुनीर दे मुकाम वालिया ताहा दी शान वालिया हामिम दे कुंडल वालिया यासीन والقرآن الحکیم دے تاج والیا कमली वाले सोने मबूगा फरमाया जी जी रब्बे जलील हुक्म होवे आओ मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे मेरे मदनी करीमा का दी मोहब्बत लेके बैठने वालों मैं अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िया चौथा पारा है सूरह आले इमरान दे अंदर 102 नंबर है दे अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा या अय्युहल्लजीना आमनु तक्कुल्लाहा हक्का तुकातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा ऐ ईमान वालियो ही मेरा रब अपने मोमन बंदियां नूं हुकम दे रिहा है ऐ ईमान वालियो मेरे कोले में डरो जिवें मेरे को डरन दा हक वेख्या जे जदों तुहाडे ते मौत आई ईमान दी हालत अंदर मेरे कोल आ जाए मुसलमान बन के आ जाए फरमा बरदार बन के आ जाए मेरे हो के आ जाए ऐवें गुनाहां नाल लिबड़े तिबड़े ना जा जाए ऐवें मेरियां ना फरमानियां करदे करदे ना जा जाए गुनाहां तों पाक साफ हो के आ जाए खणा दुनिया ते गुनाहां कोलों तो करके आ जाए मेरे बन के आ जाए अज दे मुक्सर दरसे कुरान अंदर मैं ईमान बयान करन आए ईमान किस कीमती खजाने दा ना है ईमान किस कीमती सरमाए दा ना है ईमान किस कीमती दौलत दा ना है ईमान ना लखी ना हजारे ना नकदी ना उदारे ईमान दी दौलत नहीं लभदे ईमान दा खजाना नहीं लभदा। आओ मुसलमानों कुरान पाक दा दूसरा मुकाम अल्लाह फरमाते ने आओ अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू ऐ ईमान वालो ईमान वाले बन जाओ ऐ ईमान दा दावा करन वाले हो सूरह निसा ओकड़ा 5वां सवारा 126 नंबर है अल्लाह फरमांदे ने ईमान वाले बन जाओ ऐ ईमान दा नाम लैण वाले हो सही मानियां दे अंदर ईमान वाले बन जाओ। कुरान पाक दा तीसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने आओ अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलु फिस्सिल्मी काफा वला तत्तबिउ खुत्वाति शैतान इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा ऐ ईमान वालियो उदखुलु फिस्सिल्मी काफा इस्लाम अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ सिर दे बालां तो लैके पैरां दे नौआं तक इस्लाम च दाखिल हो जाओ। आओ मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे मेरे मदनी करीमा का दी मुहब्बत लैके ये तीन आयतां पढ़िया ने कुरान पाक दियां इन्हां तिना आयतां दे अंदर अल्लाह ने ईमान वालियां नूं मुखातब फरमाया है। हुण मैं सही अल बुखारी पढ़न लगा किताब अल ईमान आप सुनिया जे जरा ध्यान नाल हदीस नंबर 71 जिद नंबर पहली मेरे नबी ने फरमाया हो जिस बंदे ते अल्लाह खुश हो जाए जिस बंदे ते अल्लाह मेहरबान हो जाए जिस बंदे नाल अल्लाह भलाई दा इरादा करे जिस बंदे नाल अल्लाह नेकी दा इरादा करे ये नहीं कि उन्हें दुनिया दा माल मिलदा है कोठियां ते बिल्डिंगां ते मुरब्बे मिलदे ने नहीं नहीं बल्कि मेरे नबी ने फरमाया हो जिस बंदे ते अल्लाह खुश हो जाए जिस बंदे ते मालिक मेहरबान हो जाए जिस बंदे नाल अल्लाह नेकी दा इरादा करे जिस बंदे नाल अल्लाह भलाई दा इरादा करे अल्लाह पाक उस बंदे नूं ईमान दी दौलत अता कर देंदे ने ते अपने दीन दी समझ अता कर देंदे ने ईमान दी दौलत उस बंदे नूं मिलदी है जिदे ते अल्लाह खुश हो जाए जिदे नाल अल्लाह भलाई दा इरादा करे जिदे नाल अल्लाह नेकी दा इरादा करे। आओ मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे मैं तुहानू मदीना तो रसूल लै चलना मेरे नबी पाक दी पाक मस्जिद है अल्लाह जानदा है हजूर दा पाक शहर मदीना है इत्थे मैनू ठीक मोड़ी लाबा दे आन ते शान ते जिला कसूर दे वली मौला मुहम्मद शरीफ इलाहाबाद रहमतुल्लाह अलैह याद है बड़े प्यार नाल पढ़दे हुंदे सी जिहड़ी मस्जिद
मस्जिद मेरे पैगंबर दे जड़ी मस्जिद तुहानू अनाब शेख बरादरी नू मौलाना शरीफ साहब नाल बड़ी हकीकत हुंदी सी बड़ा प्यार हुंदा सी अक्सर लोग उत्थे जा के जुमा पढ़दे हुंदे सन अल्लाह उहनां दी कबर ते करोड़ा बरकतां नाज़िल फरमाए ज़रा मुहब्बत नाल बड़े प्यार नाल पढ़ना जड़ी मस्जिद मेरे पैगंबर दी ओहदी रीस की ताकत अंबर दी अल्लाह हुण मानण नू जी करदा ठंडियां ठंडियां हवावां मदीने दियां मैं दसा मदीने दा की सोना कर कर सोना जी जी सोना दिल खिच दिया वांग महबूबा दे पेड़ा गावां बकरियां मदीने दिया मदीना तो रसूले मेरे नबी पाक दी पाक मस्जिद इत्थे जरा रल के दुआ कर लिए फिर अल्लाह सोणिया तेरे खजाने च कमी कोई ने जिन्हां तेरा घर बैतुल लागे वेख्या ते जिन्हां नहीं वेख्या मस्जिद नबी कारी शोएब मोहम्मदी साहब चंद दिन पहला हो गया ने किन्ने खुश नसीब लोग ने जिन्हें मेरे नबी पाक दी पाक मस्जिद वेखी है जिथे हुज़ूर जुमा पढ़ाते रहे जिथे मेरे पैगंबर नमाजा पढ़ाते रहे जिथे मेरे नबी सहाबा नू वाद करते रहे अल्लाह सानू सारिया नू रमजान का महीना रोजे की हालत दुआ करते हैं ऐसे साल ही बैतुल्ला दी हाजरियां नसीब फरमा मस्जिद नबी दी हाजरियां नसीब फरमा जिन्ने कि तुसी आमीन कहिंदे हो ना इन्नी आमीन ते तुसी लाहौर वाले एयरपोर्ट ते भी नहीं पहुंचना ते जे तुसी जाना है ना बैतुल्ला फिर जरा उची आमीन कहना पेगा अल्लाह सानू सारे नू मस्जिद नबी दा मुसाफर बना अच्छा तुहाडे चो ना किन्ने बंदे बैठे ने जिन्हें अगे मस्जिद नबी वेखी है जरा हाथ खड़ा करो ना मेरे पता लगे माशाल्लाह एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ दस ग्यारह बारह इत्थे माशाल्लाह पंद्रह भी बंदे बैठे ने इन्हें अगे मस्जिद नबी वेखी है अल्लाह जानता है उन्हें शहर दियाँ बारह ही बखरिया ने एक ना मैं तुहानू वजीफा दसन लगा है दस दवा कर जेड़ा बंदा ये वजीफा कसरत ना पढ़ता है ना अल्लाह उन्हें अपने घर भी बुलाते ने ते जल्दी बुलाते ने ते बगैर पैसों तो बुलाते ने मैं दसन लगा जेड़ा नमाज च ना कदों उची बोलो नमाज च दुरूद पाक पढ़न तो बाद दुआवां तो पहला या दुआवां तो बाद जेड़ा बंदा ऐ जेड़ा मैं वजीफा दसन लगा है कसरत ना पढ़दा है ना अल्लाह नू अपने घर बड़ी जल्दी बुलाउंदे ने सूरह बकरा है केड़ी सूरत है सियाने बंदे न्याणे बोलण डए ने जरा सियाने भी बोलो केड़ी सूरत है उच्ची बोलो केड़ी सूरत है सूरह बकरा है ते ओ आउंदी है 17वें पारे च किन्ने च उच्ची बोलो शाबाश 17वें पीछे इमाम दे अल्लाह हू अकबर चला फिर कही जाता सतारवें पहला सपारा है तो मैं इम्तिहान लै रहा सी ताड़ा भी किन्ने हाजर कर से वेलो इन्ने हाजर हो हाजर हो के ब्याह करो पहला सपारा है सुनया जी इधर पहला सपारा है ते सूरह बकरा है ते 128 नंबर है ते किन्ने नंबर जेड़ा बंदा कसरत ना पढ़दा है वा आरीना मना सिकाना वा तुबालेना इन्ना का अंत तवा बुर्रहे इंज नहीं जरा मैं हौली हौली पढ़ता मेरे नाल मैं आखे मुहब्बत नाल वह दरो दीवार गूंजन मस्जिद दा हाल गूंजे इत्थे फरिश्ते भी बैठे ने ते जाके अल्लाह कोल इना दसना है सोहणिया रब्बा फलाने फलाने बंदे दे दिल दे अंदर बैतुल्ला दी मुहब्बत से फलाने बंदे बड़ी मुहब्बत नाल पढ़दे सन आयत पढ़ लो जरा मुहब्बत नाल वा आरीना मना सिका पढ़ो वा आरीना मना सिका ना वा तुबा लेना इन्ना का अंत तवा बुर्रही अरब शरीफ फतो सदके जाओ जिथे बकरियां यार चराइयां जगह जगह ते मैं बोसे देवां जिथे तड़ियां हजूर लगाया केड़ा सोना पाक हरम मियाँ केड़ा सोना पाक हरम मियाँ अल्लाह
ਦੀ ਕਸਮ ਐ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਏ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗਮ ਹੀ ਗਮ ਨੇ ਅਸਲ ਸਕੂਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਓ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕ ਹਰਮ ਮੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮ ਮੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਮੀਆਂ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੰਜਨੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੜੋ ਅੱਲਾ ਪੜਿਆ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਲਾਏਗਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਦਮ ਦਮ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲੀ ਪੈਪਸੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਡਿਊਕ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮਰਿੰਡਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਪਰਾਈਟ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਮ ਦਮ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੜ ਲਓ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਦਮ ਦਮ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਲਵਾ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਲਾ ਹਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਲਾ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੋਲੋ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਆਲੀ ਮੁਕਾਮ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਇਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਈ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਣ ਦੇ ਪਿੰਨੇ ਫੜੇ ਨੇ ਆਈ ਹੈ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੂਤਰ ਕੱਤ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਤਿਆ ਐ ਰਾਤ ਦਾ ਕੱਤਿਆ ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕੱਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਅੱਟੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਵਾਣ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਐ ਵੇਖ ਲੈ ਐ ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਤੇ ਆਇਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਇਹਦੇ ਧਾਗੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਤੋਂ ਮੋਟਾ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਐ ਰਾਤ ਦਾ ਕੱਤੇ ਆਇਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਇਹਦੇ ਧਾਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਮਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਪ ਚੰਗੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇ ਮੱਝ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਜੇ ਸਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਕੈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਤਕੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਹੀਰਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਕਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਫਿਰ ਰੇਟ ਵੀ ਅਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਦਾ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਰੇਟ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇੱਦਾਂ ਗਿਰਦਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ
अव्वल रहमतुल्ला लै दिया अखा चू आंसू आ गए। इमाम साहब रोन लग पे, दाड़ी हिजाना पड़न लग पे। जदों बीबी ने इमाम नूं रोंदिया वेख्या, अरमाया पुत्र इमाम अव्वल मैं तेरे को मसला पूछना ही सा, तू रोन लग पे। अल्लाह जानदा जरा सुनिया जे ध्यान नाल, मैं कोई दिल तोड़न वाली ते गल नहीं की, कोई तनकीस तसली वाला ते जुमला नहीं बोलिया। अरमाया रोन क्यों लग पे? इमाम साहब रो के कहन लगे, बीबी तेरी किसी गल तो तीन रोया, रोड ते मैनू इस गल का आया है, मैनू अज पता लगा है अल्लाह की जमीन ते मेरे तो ज्यादा अल्लाह को कोई डरन वाला भी रहिंदा है। मेरे बुजुर्गो नौजवानों, इस बीबी दियां मदीने च कोठियां ने, मदीने च गड्डियां नहीं चलदियां, मदीने च लूमा नहीं लगियां, मदीने च बाग नहीं, दिल दे अंदर ईमान है, खौफे खुदा है, तकवा है, परहेजगारी है। अल्लाह जानता है इन्हें तुहानू मैनू मसला समझा दिता, जो कुछ लिखिया बेच नसीब साढ़े, ओह तू लैना ओह मैं लैना, तेरिया मेरिया आगड़ा किस कारण, तू भी टह पैना मैं भी टह पैना, सदा आया बुकड़ा माटना, ना कोई तू लैना ना मैं लैना। मेरे बुजुर्गो मेरे नबी ने फरमाया, बच्चा चारा महीनिया का अपनी मां दे पेट छुंदा है, अल्लाह उस बच्चे का रिजक भी लिख देने, अल्लाह उसकी उम्र भी लिख देने। जदों रिजक अल्लाह असी दुनिया ते अजे नहीं आया, सौ रिजक अल्लाह ने लिख दिता है, मेरा भी लिख दिता ते तुहाडा भी रिजक अल्लाह ने लिख दिता है। जिन्ना लिखा है खाण तो बगैर मौत नहीं आएगी, ते जिन्नी अजिदगी अल्लाह ने लिखी है वो गुजारन तो बगैर मौत नहीं आएगी। फिर राधक नु छड़ के अल्लाह जानदा रिजक मान दा की फायदा, राधक नु छड़ के झूठ बोल के रिजक मान दा की फायदा, राधक नु छड़ के अल्लाह जानदा सोने रब तो गाफल हो के ठगी मार के झूठ बोल के नाप तोल अंदर कमी करके वादा घाटा करके चीज खा के होर ते वेचनी और ये कम करके फिर फायदा की है। जो राधक ते अल्लाह दी रात है, रिजक ते अल्लाह ने लिखा है, ते जेड़ा लिखा मिलना ही मिलना है। मेरे बुजुर्गो मेहनत करांगे ते अल्लाह बरकत पा देगा, मेहनत करांगे ते अल्लाह काफी कर देगा, मेहनत करांगे ते उसे रिजक नूं अल्लाह तेरे मेरे वास्ते वसी कर देगा। जरा सुनिया जे ध्यान, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालो, अल्लाह पाक ने कुरान च बयान कीता है कि राधक मैं आऊं, उंज ते साडा मुसलमानां दा सारिआं दा यकीन है कि राधक अल्लाह दी ज़ात है। कुरान पाक ने फरमाया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनाथा वा यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما إنه عليم قدير। अल्लाह फरमाते ने जमीना ते आसमाना दा बादशाह मैं आ, जिन्नू चावां दुनिया दी दौलत दे दवां, जिन्नू चावां धीआं दे दवां, जिन्नू चावां पुत्र दे दवां, जिन्नू चावां ना धीआं दवां ना पुत्र दवां, जिन्नू चावां मैं दे के वापस लै लवां। उच्ची बोलो किदियां मरदियां ने, हाथ खड़ा करके जरा मोहब्बत नाल, मैनू ठंड पै जाए जरा सजा हाथ चुक के बोलो किदियां मरदियां ने। ये अल्लाह दियां मरदियां, अल्लाह दियां मरदियां, क्योंकि कुरान पाक बयान कर रहा है, लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्द जमीना ते आसमाना दा बादशाह अल्लाह है। हुण इत्थे जिन्ने बंदे ईमान वाले बैठे हो, मेरे बुजुर्गो उलमा किराम बैठे हो, काफरां दे अंदर भी बड़ियां किस्मां ने। बाज़ काफर अल्लाह नूं मन्नदे ही नहीं, सिरे तो आंदे ने अल्लाह नाम दी शाय ही कोई नहीं, अल्लाह है ही कोई नहीं, ए निज़ाम जिहड़ा है बंदे दे सिर ते ही चलदा। मेरे बुजुर्गो नौजवानों, उन्हें काफरों नूं पैदा करके रिजक देने वाला कौन है? काफर अल्लाह नूं मानदे भी नहीं ते अल्लाह कोलो मंगदे भी, ओ बोलो ते सही, अल्लाह कोलो मंगदे भी नहीं ते मानदे भी नहीं। उन्हां नूं बगैर मंगण तो ते मनण तो रिजक दिंदा है, ते उच्ची बोलो कौन दिंदा है? ते जे उन्हां बंदियां नूं नाफरमानां नूं ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਐਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਐਤਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕੋ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਕਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੋ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਰ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
दिन चढ़ने तारे जिमें चुप जाते जिंदगी चो गम इवें मुक जाते जेड़ा कले अल्लाह तो सवाल कर कोई मंगे न मंगे माला माल कर रब सोना करम बेमिसाल कर रब सोना करम बेमिसाल कर कोई मंगे न मंगे माला माल कर ओनू केराओ फकीरी नहीं पा सकते ओनू केराओ फकीरी नहीं पा सकते ओदे वेड़े च गुरबत नहीं आ सकते ओदे वेड़े च गुरबत नहीं आ सकते जिन्नू मेरा अल्लाह खुशहाल कर उची बोलो आओ मुसलमानों अर्ज करना चाह रहे मेरी मामे आली मुखाओ हसनैन दे नाना जाना मोहब्बत करने वालो राजक अल्लाह दी दात है रिजक देने वाली दात अल्लाह दी है इस वास्ते ओ दे ओ जो चुक जो यार नु जेड़ा साडे अबा तो ही वाकफ है दिना तो ही वाकफ है ते रातों तो ही वाकफ फना ले लो नहार नु जानदा है सारीयां चीजां नु जानदा है गुनाहां नु ही जानदा है पर उने कदी साडा रिजक बंद नहीं कीता अल्लाह जानदा है फिर भी अबा ते पर्दा पांदा है फिर भी लोकां दे सामने बयान नहीं करदा मेरे बुजुर्ग नौजवानों इस वास्ते जदों राजक दी तलाश अंदर सोने रब दी इबादत करके रिजक तलाश करोगे मेरे बुजुर्ग नौजवानों रिजक थोड़ा भी होएगा ईमानदारी नाल कमाओगे हलाल कमाओगे अल्लाह थोड़े च भी बहुती बरकत पा देगा अज साडे माशरे दे अंदर चंगे भले मुसलमान बेईमानी करन तो सिर्फ इसे वजह तो बाद नहीं आउंदे अल्लाह जानदा है ताकि मैं ज्यादा दूजियां तो पैसे कमावां मेरा लिबास दूसरियां तो चंगा आवे मेरा मकान दूसरियां तो चंगा आवे मेरी सवारी दूसरियां तो चंगी आवे जेड़े अल्लाह ने हलाल दिते ने पता नहीं उन्हें पैसों का कफन भी मिलना कि नहीं मिलना हो मैं फैसलाबाद जुमा पढ़ा रहा है फैसलाबाद के नाल खुरड़िया वाला है शोखोपुरे रोड से खुरड़िया वाला हो 1983 अंदर इतने बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट होया हो बड़ा खतरनाक हादसा आया हो दो तीन गड्डिया का आपस एक्सीडेंट होया हो मेरे बुजुर्गो मौत मैनू भी आनी है मौत तुहानू भी आनी है दुआ करया कर अल्लाह एक्सीडेंट की मौत तो बचाए अल्लाह हादसे की मौत तो बचाए अल्लाह अचानक दी मौत तो बचाए दो चार दिन बीमार रह के बंदा फौत होवे 20 साल पुराना कीता गुनाह भी बंदे नु याद आ जांदा है मेरे बुजुर्गो जे अचानक मौत आ जाए हादसे च मौत आ जाए फिर तो बाद मौका नहीं मिलदा इस वास्ते दुआ करया कर जदो आखरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी लगी तोड़ निभा अल्लाह मैनू फक्त सहारा तेरा ओए मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इक फेरा ओए इथो नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लंबे रोए नहीं रहना यार प्यारिया ने टह जाना महल मिनारिया ने छुप जाना चन्ना तारिया ने पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे बुजुर्गो मौत करोड़पतियां भी आनी है मौत गरीबां भी आनी है मौत पक्की वासां भी आनी है पर मरना वो मरना चंगा है जेड़ी मौत इमाम ते आ जाए जेड़ी मौत मिसरे मुस्तफा दे दीन इस्लाम ते आ जाए अल्लाह जानदा है नहीं ते असी तमां दे अंदर किन्ने बंदे ऐसे बैठे ने जिन्हां पिछले साल अपनी मां नाल जाए हत्थां दीआं सैरियां कीतियां अपनी मां दे हत्थां दीआं अफ्तारियां कीतियां पिछले साल अपने बाप नाल जुआ पढ़न आउंदे ने पिछले साल अपने बाप नाल रोजे रखे पिछले साल अपने बाप नाल नमाजा पढ़न आउंदे रहे खैर की रमजान आ गए पर बाप दा चेहरा नजर नहीं आ रहा मां दी मोहब्बत नजर नहीं आ रही मेरे बुजुर्गो जेड़े देश च ओ गए ने उत्थे गया बंदा कदे कोई वापस नहीं आउंदा जिथे साडे प्यारे गए ने औलाद उस्ताद जी जवान होवे मां एक रात भी किते रहना पसंद नहीं करदे फौत किते भी जावे ते आंदी नहीं भाई मैं अपने घर जाना है मेरियां धीआं जवान ने मेरे पुत्रा को बाप नहीं रहिंदा एक रात भी किन्ने साल हो गए मां नूं दुनिया तो गया हो किन्ने साल हो गए बाबे नूं दुनिया ते गया हो अल्लाह जानदा है उन्हां वापस नहीं आना सानूं ही हुण उन्हां कोल जाना पैना है इस वास्ते जिनी जिनी उन्हां जिंदगी गुजारनी सी गुजार ले गुजार के चले गए हुण अपनी आखरत की फिक्र करो ईमान नूं हासिल करो अल्लाह जानदा है होइयां मुद्दतां ते वत कोई आया नहीं फेरा मुड़ वतना वल पाया नहीं कोई सुनिया हाल सुनाया नहीं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह
उड़ गया तोता जड़ा बोलियां सी पावंदा रह गया खाली पेरा डर पिया आवंदा सके तो सका कोई हाथ नहीं लावंदा टूट गए ने रिश्ते दूर ताए फिर होके मजबूर आखर पट्टे ते पाया है उतार दो कपड़े दे किन्ने जनादे साडे सामने गुजर देने अल्लाह जानदा है होके मजबूर आखर पट्टे ते पाया है उतार दो कपड़े दे आप सुनाया है किसे दे दिल राव तरस ना आया है पड़न पोशाक थाऊ थाए फिर दे के गुसल गल विच कफनी चा पाई आओ लेओ भरावा तेरी एहो ही कमाई आओ कल्ले नु छड़ चले पैणा ते पाई आओ किसे ने एहसास कीता ना है अल्लाह जानदा किड़े किड़े प्यारे रिश्ते साडे तो जुदा हो गए मेरे बुजुर्ग रमजान दा महीना वे सहरी दा टाइम आवे पुत्र कमरे छुता वे ते मां बार बार कमरे च आउंदी है बार बार कमरे दे अंदर आउंदी है पुत्र उठ पै जल्दी कर सहरी कर ले एक घंटा पहला मावा लग पैंदियां ने ठौण कई वारी पुत्र झिड़क भी दे देने पर फिर भी मां बार बार कमरे चक्कर लाउंदी है मेरे बुजुर्ग बार बार आण के कहंदी है पुत्र 20 मिनट रह गए ने 10 मिनट रह गए जदों आखरी 5 मिनट रह जाण अल्लाह जानदा चार पाई ते हाथ धोवा दिंदी है उत्थे ही हाथ धोवा दिंदी है किते मेरे पुत्र दा रोजा ना रह जाए किते मेरे लाल दा रोजा ना रह जाए नौजवानों मेरे वीरो सुन लो जिदण मां दी मैयत 46 दे कब्रस्तान च जानी है बंगले दे कब्रस्तान च जानी है कब्रस्तान च जानी है अल्लाह जानदा उधर कई सारियां बिस्तर ते गुजर जाणियां ने पर जाइयां एक वारी आवाज देणगियां जे अख लागी ते दोबारा किसे ने आवाज नहीं देणी असीं इहदियां नौकर नहीं लगियां इह बंदे दा कम एक वारी जगाया ते उठ के रख लिया करे रोज़ा रखना हुंदा ते आपे उठ पिया कर जदों जगाया जे ते उठ पिया कर वी रख लागी ते दोबारा किसे ने आवाज नहीं देणी इह सारियां बहारां मावां नाल इह सारियां बहारां वालदैन नाल मौलाना दारुमान साहब बयान कर रहे सन इह सारियां बहारां मापियां दे सावां नाल रोंदे आ वेख शरीक वे बूहे टोलन दे बिन मावा दे कावे टुकड़े खो लैन दे रोंदे आ वेख शरीक वे बूहे टोलन दे बिन मावा दे कावे टुकड़े खो लैन दे मेरे बुजुर्गो तजर्बा नौजवानों करिया जे आ हुण ईद आउणी अगो पुना पुत्रां भी कपड़े लै लै धीआं भी कपड़े लै लै सारियां जुत्तियां लै लई आओ मां नूं मेरे पुराने पैणे मेरे पिछले साल आले नवें ने वीरो मावां अपने धीआं पुत्रां दे कपड़िआं वल वी वेख के खुश हो जांदियां ने अपने धीआं पुत्रां नूं खांदिआं पींदिआं ते खुश हुंदिआं वेख के जी लैंदिआं ने रोंदिआं वेख शरीक वे बूहे टोलणे बिन मावां दे कावे टुकड़े खो लैंदे फटे पुराने कपड़े तन ते पौंदिए भुखिया रह के लोगो पुत्र जोंदी ए वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी ए बादशाहां वाले लाल पुत्रां नूं लड़ाउंदी ए मेरे बुजुर्गो नौजवानो जितने भी नौजवान आए ने दरसे कुरान सुन इथों जाना जांदिआं मां नूं पुछणा है जे मां दिंदा है मां सूट लै लिया कि नहीं लिया मां सूट लै लिया कि नहीं वास्ते अबू जी सूट लै लिया कि नहीं जे ना लियावे ते अपने बलियों खुद बाप नूं जा के हड़प्पे मोटरसाइकिल ते मां नूं जा के पसंदा लै के दे अल्लाह जानदा है मेरे बुजुर्गो सुन लो ध्यान नाल इधरों सूट सवा के मां पा लै गई रिश्ते मालक तेरे ते खुश हो जाएगा रिश्ते मालक मेहरबान हो जाएगा या अय्युह लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून ईमान अदा ना है सुनिया जरा ध्यान नाल रोजा सानू तकवा सिखाउंदा है ईमान सिखाउंदा है मेरे बुजुर्गो जदों लोग फौत होए खुरने वाले दे अंदर जेड़े जेड़े फौत आए अपने अपने रिश्तेदारां दीआं लै के डेड बाडियां चले गए लाशां लै के चले गए एक 65 सालां दा बाबा उहदी शनाख्त नहीं हुंदी पई उहदा वारस कोई लैण आया शामां पैण लग पईआं सूरज डुब्बण दे करीब उहदा कोई लगदा लैण आया उहदा वारस कोई लैण आया बंदिआं दे ने ला वारस ही लगदा है
फेदा ना तैन ना पता ना कोई लैन वास्ते आया हो। पैसे कट्ठे किते मदरसे दे तालिब इल्मां ने लोग पैसे कट्ठे किते कफन लैन दा दफन दा इंतजाम किया हो स्लैबां लैन दियां हो मौलवी साहब ने अगो अगो गुसल दिता हो जिन्हां दा पढ़ाया तो दफन कर दिता हो इत्थे कोई फौत होवे ते मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब मेरे उस्ताद दे मोहतरम जनाजा पढ़ाउण ते कहंदे रहे साडा भरा फौत होया है कल नूं असीं वी जाणा है इहदे कोलों किसे लैणा देणा ते अगे आ जाओ इहदे हत्थ तों इहदी जुबान तों किसे नूं कोई तकलीफ पहुंची होवे ते अल्लाह वास्ते माफ कर दिया जाए। हाफिज़ शोएब साहब जनाजा पढ़ाउण ते आंदे ने माफ कर दिया जाए जे लैणा देणा ते अगे आ जाओ। इह बंदा कैसा है ना इहदे जनाजे ते किसे आख्या लैणा देणा ते अगे आ जाओ जे किना किसे जुबान तों हत्थ तों किसे नूं कोई तकलीफ पहुंची होवे ते माफ कर दिया जाए क्योंकि इहनूं जान लो कहणे मेरे बुजुर्ग ला वारसा करके दफनाया चारा पंजा दिन तो बाद जदों दे वारस लभदे लभदे पुछदे पछांदे खुरड़िया वाला अंदर पहुंचे लोगों की सुन के हैरत गुम हो गई जेड़ा बाबा लोगों के कट्ठे किए पैसों की कबर कफन ते स्लैबां लैके गया है पंद्रह मुरबियां का कल्ला ही मालक इतना बड़ा जिमीदार बंदा हो अपने इलाके का नाम वरते चौधरी बंदा हो अपने इलाके का डेरेदार बंदा हो दूजे इलाके फौत होया हो ना जनाजा पढ़ने वाले अपने ना गुसल देने वाले अपने ना मैयत नूं कंधा देने वाले अपने इत्थे मैनूं बाबे दी ते तुहानूं मौत ने पैगाम दिता ए दुनिया ना बणदे बंदे दे इस माल की खातर ते दुनिया की खातर ईमानदारी इख्तियार कर झूठ बोल के पैसा ना कमाया कर ठगी ना मारिया कर चीज वेची होवे ते ऐप छुपा के ना वेचिया कर ये दुनिया ना बन दे बंदे दे ये बंदे जाने दुनिया आदा घर लोग बनाए फिर दे ने ये अड्डा फाने दुनिया आदा कल दो वारस एक वरासत दे मैं आपस में लड़ दे वेखे ने गढ़ हथों पाए एक दूजे नो मैं तोनो फड़ दे वेखे ने एक केंदा पदर दरते मेरे एटे टिबे तेरे ने एक कहिंदा नहीं ए मेरी ए दूजा कहिंदा नहीं ए मेरी ए धरती बोल के इन्हां नूं जवाब दिता ए मियां दोवें विच हनेरे ने ना मैं इहदियां ना मैं उहदियां ए दोवें बंदे मेरे ने मेरे बुजुर्गो इन्नी तुहाड़ी मेरे औकात गल्लां ते मैं करदा रहां ते नहीं मुकणगियां वक्त मुक जाएगा दिन मुक जाणगे रातां मुक जाणगियां सौ हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ रात कल्ला इबादत करके कमाएगा आज कमाएगा भूल के नहीं बल्कि याद रख के कमाएगा थोड़ा कमाएगा तेला बरकत पा देगा ते नाल फर्द पूरे करेगा नमाजा दा करेगा ते सलाम दे पंज रुकण पंजा ते अमल करेगा ते जिहड़ी जिहड़ी चीज तेरे ते फर्ज ओना फर्ज कना पूरे करेगा मेरे बुजुर्गों मैं बावजू कसमियां कह सकदा हूं अगर मिट्टी नूं भी हथ लाएगा अल्लाह ओनूं भी सोना बना देगा। नमाजा पढ़ के रोजे रख के ते जनाब तू रोजी कमान निकलेगा ना ते अल्लाह फिर तेरी रोजी थोड़ी सी बहुत ही बरकत पा देगा। कई बंदे ना कसमे मैं हर पिंड च हर शहर च हर थां ते इदां दे हुंदे बंदे जदों उन्हां नूं होश संभाली है ना वेखदे असीं उदों दे पट्ठे पाई जांदे मज्जां नूं पट्ठे ही पाई जांदे जां फैक्ट्रियां च काम ही करी जांदे ना नमाज ना रोज़ा ना गल ना बात सारी जिंदगी होगी दिहाड़ियां करी जांदे। ओए अल्लाह दे बंदे सानूं दुनिया ते अल्लाह ने दिहाड़ियां करन वास्ते कल्लिया सी ओ पट्ठे पाउण लई कल्लिया सी दुनिया च ओए अल्लाह ने सिर्फ फैक्ट्रियां च काम ही करन लई कल्लिया सी ओए अगर फैक्ट्रियां च काम करना सी सारी जिंदगी पट्ठे ही पाउणे सी ते जनाब यही साडा मकसद सी पहन लिया खा लिया पी लिया सौ लिया ये काम ते डंगर ते जानवर भी करदे ने फिर दसो इंसानां ते जानवरां च फर्क की होया क्यों भी डंगर भी खांदे ने ना सौंदे भी ने ते पींदे भी ने। ओए अल्लाह ने सानू अपनी इबादत लई कल्लिया रिज़क दा अल्लाह ने वादा कीता है जदों तू ओदी इबादत करके कमाउण निकलेगा ना अल्लाह तेरे लई जमीना ते आसमाना तो रिज़क दे दरवाजे खोल देगा फिर तेनों हाथ नहीं फिराना पाएगा पर गल सिर्फ इन्नी कि ओदी याद च कमाउणा है किदी याद च कमाउणा है हाथ खड़ा करके जरा किदी याद च कमाउणा है। हुण इत्थे गल मुक गई है कि राजक अल्लाह दी जात है कौन राजक है रिजक उन्हें देना है। मैं हुण इत्थे जिन्ने बंदे बैठे हो बंदा सारी जिंदगी मेहनत करता रहे की करता रहे उची बोलो ते कवे मैनू रिजक मिल जाए तो अल्लाह रोक दे बंदे दा रिजक बंद कर दे तो बंदे नूं रिजक मिल सकदा ते फिर मेहनत ना मिलता ही नहीं मिलता तो रहमत ना कहदे नाल मिलता है।
ਓਏ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਮਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਮਾਏਗਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਲੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਚੀ ਕੌਦਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਕਹੋ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤਰਾਵੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਜ਼ਕਾਤ ਛੱਡਣੀ ਝੂਠ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਛੱਡਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਝੂਠ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਨ ਕਾਨ ਅਲਿਲਾਹ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਈਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਮਰਦੇ ਵਕਤ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਫੌਜ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਨਾਮੁਲ ਅਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰੀ ਯੂਸਫ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਚੱਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਮੁਲ ਅਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਵਾਲੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਨਾਮੁਲ ਅਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਪਾਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਾਮੁਲ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਸ਼ੁਦਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਕਰੂਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵਾਲਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਿਮਾਰ ਨੇ